Hello students, welcome back to our channel NKC Learning. I hope you all are doing good. So student, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि आज से हमारी बोर्ड मंत्रा सीरीज स्टार्ट होने जा रही है. ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी बोर्ड मंत्रा सीरीज की, और इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जिनके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और इस सीरीज में हमारा जो टारगेट है वो 90 प्लस रहेगा, कि हम 90 प्लस क्वेश्चंस क्या कर सके, बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके. और इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ हम आपको बताते रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, ये 2 मार्क्स में आ सकता है. और साथ साथ हम आपको अलग अलग वीडियोज भी प्रोवाइड करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन की. तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1. In triangle ABC, right angle at A, if tangent C is equal to root 3, find the value of sine B cos C plus cos B sine C. देखिए स्टूडेंट, इसने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC. सो हमने सबसे पहले क्या किया, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है. राइट एंगल है यहां पे किसके ऊपर, गिवन है राइट एंगल एट A. तो राइट एंगल हमने किसके ऊपर ले लिया, A के ऊपर ले लिया. अब हमें टेंजेंट सी की वैल्यू गिवन है कितनी, रूट 3. तो हमारी जो वैल्यूज होती है वो हमारी विद रिस्पेक्ट टू किसके होती है, एंगल के होती है. ठीक है, जो हमारी ये वैल्यू आई है किस एंगल के विद रिस्पेक्ट है, ये विद रिस्पेक्ट हमारे एंगल सी के है. सो मैं सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता देती हूँ ताकि आप इजिली ये क्वेश्चन कर पाए. हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं. फर्स्ट इज साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा. साइन का हमारा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा. ये प्रोनाउंस कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे टेन थीटा बोलते हैं इसको, क्योंकि लिखा हुआ ही हमने टेन है, टी एन टेन. ठीक है, बट इसकी कंप्लीट जो स्पेलिंग होती है दैट इज टी ए एन जी ई एन टी, तो वो बोला जाता है टेंजेंट थीटा. ठीक है, आप इसको बोलते हैं सेक थीटा, ये सीकेंट होता है. हमने इसको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है SEC, लेकिन हम बोलते हैं इसको कैसे, सीकेंट थीटा बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखिए एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले ली कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी एबीसी, और यहां हमें थीटा गिवन है. तो हमारे जो भी वैल्यूज निकलेंगी साइन की कोस की, वो हमारे विद रिस्पेक्ट टू किसकी होगी, थीटा के, एंगल के ही विद रिस्पेक्ट होती है. बिकॉज अदरवाइज हमारा जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज हो जाएगी हमारी. जैसे यदि हम इसको चेंज कर दें, मैं यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे एंगल राइट एंगल फिक्स रहेगा हमारा, क्योंकि इसने बोल दिया क्वेश्चन में कि राइट एंगल एट ए, तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज बी एंड सी ऑल्सो. सो अब आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस. तो देखिए यहाँ ए भी परपेंडिकुलर था, यहाँ ए भी क्या बन गया, बेस बन गया. तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. इसीलिए हम किसके विद रिस्पेक्ट लेके चलते हैं, एंगल के विद रिस्पेक्ट, मीन्स थीटा के विद रिस्पेक्ट. तो जैसे आपको वैल्यू पता है कि साइन थीटा हमारा पी अपोन एच होता है, यदि मैं यहां से थीटा हटा दूं और मैं लिखूं कि साइन पी अपोन एच है, तो भी आप कहेंगे कि यस, साइन जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूज होता है, वही तो कहेंगे. लेकिन मैं कहूंगी कि ये रॉन्ग है. क्यों, मैंने अभी अभी बताया कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता, वो चेंज हो जाता है. मैंने अभी आपको ये एंगल रोटेट करके दिखाए कि एंगल आपस में चेंज हो गए बी और सी, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो गया, चेंज हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे जब थीटा आएगा तो उस टाइम पे ये हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है कि साइन हमारा पी अपोन एच होता है, लेकिन अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, रोंग होगा. ठीक है, हम हमेशा किसके विद रिस्पेक्ट लेते हैं, थीटा के विद रिस्पेक्ट लेते हैं. यदि फॉर एग्जाम्पल मैं थीटा बी पे सी पे ना लेके बी पे ले लू, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, जो हमारा थीटा होता है उसके अपोजिट साइड होती है. तो देखिए यहाँ थीटा के अपोजिट साइड कौन है, ए बी, तो यहाँ तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा. और जो हमारा बेस होता है वो एडजेसेंट साइड होती है. ठीक है, बेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा के एडजेसेंट साइड होती है, तो ये हमारा बेस आ जाएगा. और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा. तो सेम देखिए बच्चे यहाँ पे, अब ये हमारा थीटा कहाँ पर है, बी पर है, तो थीटा के सामने एसी है, तो एसी बिकम्स परपेंडिकुलर,
और ए बी बिकम्स बेस। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यूज होती है वो विद रिस्पेक्ट टू किसकी होती है, थीटा के, और थीटा में हमारी क्या आएंगी, एंगल्स की वैल्यू आएंगी, 30, 60, 45, 90 ये वैल्यूज आएंगी। तो अब देखिए साइन हमारा क्या हो गया, पी अपॉन एच। कोस की वैल्यू हमारी क्या होती है, बी अपॉन एच। कोस हमारा होता है बी अपॉन एच, टेंजेंट हमारा होता है पी अपॉन बी। इसी तरह से कोसिकेंट हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, एच अपॉन बी। सीकेंट हमारा किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कोस थीटा का, कोसिकेंट कोस थीटा इज एच अपॉन बी। और कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी अपॉन पी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन सम स्टूडेंट कहते हैं कि मैम इट इज डिफिकल्ट फॉर अस कि हम इसको याद कैसे रखें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स हम साइन को पी अपॉन एच की जगह बी अपॉन एच ले लेते हैं। देखिए वैसे तो बहुत इजी है कि आपको सिर्फ थ्री वैल्यूज लर्न करनी है और उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल इज सीकेंट, एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल यू विल गेट कोट थीटा। बट यदि फिर भी आपको डिफिकल्टी आती है तो यू कैन मेक ए टैग लाइन, कैसे, देखिए पी बी पी एच एच बी। हमने हमारे टाइम पे ये एक टैग लाइन बना ली थी कि जो पी फॉर पंडित जी, कि पंडित बद्री प्रसाद है, पंडित बद्री प्रसाद वो हमेशा हर हर बोलते रहते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने ये टैग लाइन लर्न कर ली थी, उससे हम वैल्यू निकालते थे पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप अपनी कोई भी एक टैग लाइन इनसे बना सकते हो। और एक सीक्वेंस हमेशा याद रखना अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, पहले साइन थीटा, देन कोस थीटा, एंड देन टेंजेंट थीटा। तो देखिए साइन की वैल्यू पी अपोन एच, कोस की वैल्यू बी अपोन एच, टेंजेंट की वैल्यू पी अपोन बी। और जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन का रेसिप्रोकल वी विल गेट कोसिकेट, एच अपोन बी कोस का रेसिप्रोकल, और बी अपोन पी हमारा किसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा जो मैंने बेसिक बताया वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल किसके ऊपर गिवन है, सी के ऊपर, ठीक है, सॉरी राइट एंगल हमारा ए के ऊपर गिवन है, और मैंने यहाँ पे सी लिया। सी क्यों लिया मैंने ये पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट था उसका यहाँ जो थीटा है वो कौन है, सी है। इट मीन्स सी के विद रिस्पेक्ट हमारे परपेंडिकुलर और बेस होंगे, सी के विद रिस्पेक्ट हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर और बेस होंगे। सो देखिए रूट थ्री, अब टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है बच्चे, पी अपॉन बी। जो हमारा टेंजेंट थीटा होता है वो हमारा पी अपॉन बी होता है, तो इट मीन्स इसका कोई भी बेस नहीं है तो क्या होगा, वन होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है दैट इज रूट थ्री। तो हमारा सी जो है वो थीटा कंसीडर किया जाएगा, सी के बिल्कुल जो सामने होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो हमारा सी के यहाँ पे बेस होगा, एडजेसेंट जो साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये रेशियो के फॉर्म में दिया होता है बच्चे, इसके साथ में आप कोई भी वेरिएबल एक कंसीडर कर सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट थ्री के, और ये क्या हो जाएगा, वन के, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वन के। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें हमें साइन कोस बी साइन सी इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। सो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर हमें गिवन है रूट थ्री, सो रूट थ्री के का आ जाएगा हमारे पास यहाँ स्क्वायर, प्लस में बेस हमारे पास क्या है, के, तो के का स्क्वायर। अब यहां देखिए रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, एंड के रूट थ्री के स्क्वायर, सॉरी साथ में के भी है, तो रूट थ्री का जब स्क्वायर किया तो वी विल गेट थ्री, और के का स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, साथ में यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। सो फाइनली वी विल गेट फोर के स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चे, रूट बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। फोर का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास टू, और के स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, के, ठीक है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बच्चे, टू के। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे साइन बी निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हम यहाँ पे वैल्यूज अपनी निकाल के रख लेते हैं ताकि हम डायरेक्टली फिर क्वेश्चन में पुट कर पाए साइन बी। बट साइन बी इट मीन्स हमारा जो थीटा है वो यहां पर होगा
और उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो आप यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर वैल्यूज रख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो देखिए, नाउ ए बी इज योर बेस, तो ए बी क्या आ जाएगा, रूट थ्री के, और ए सी इज योर परपेंडिकुलर, सो वन के, एंड हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम इज टू के। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं इसमें। देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन बी फाइंड आउट करना है। सो साइन बी हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, ये रहा, ये हमारा साइन बी के सामने जो साइड है दैट इज अवर परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चे, वन के, एंड हमारा बेस क्या हो जाएगा, रूट थ्री के। सो वी विल पुट हियर रूट थ्री के, के से के कैंसिल, हमारे पास साइन बी की वैल्यू आ जाएगी वन बाय रूट थ्री। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें साइन सी की रिक्वायरमेंट है। सो साइन सी के लिए हम वो लेंगे जो एंगल सी के सामने जो साइड होगी दैट इज अवर परपेंडिकुलर। सो एंगल सी, अब आप इस ट्रायंगल से भी ले सकते हैं, देखिए एंगल सी के सामने जो साइड है ये अब हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। सो रूट थ्री के, मैंने दो डिफरेंट ट्रायंगल इसलिए बनाए कि आप कंफ्यूज ना हो, सी पूछे तो आप यहां से अपना परपेंडिकुलर और बेस चेक कर सकते हैं, बी एंगल पूछे तो आप यहां से अपना बेस और परपेंडिकुलर चेक कर सकते हैं। सो यहां हमारे पास जब हम साइन सी ले रहे थे तो परपेंडिकुलर कौन था बच्चे, रूट थ्री के, और साइन हमारा होता क्या है, साइन की वैल्यू होती है, सॉरी पी अपॉन एच, साइन की वैल्यू हमारी पी अपॉन एच होती है। तो इन द प्रीवियस पार्ट आई हैव ऑलरेडी डन बी अपॉन समथिंग, सो आई एम डूइंग अगेन। साइन बी, साइन हमारा होता है बच्चे पी अपॉन एच। सो यहां देखिए पी इज अवर वन के एंड एच परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, टू के। तो हमारे पास सॉरी साइन की वैल्यू यहां से के कैंसिल क्या आएगी, वन बाय टू। मैंने वहां पे क्या कर दिया था, बी अपॉन पी कर दिया था, तो वो रॉन्ग हो गया था। साइन सी, अब साइन सी देखिए, साइन सी के लिए वैल्यू वही रहेगी पी अपॉन एच, बट पी कौन होगा हमारा, साइन सी के सामने पी परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, रूट थ्री के। तो यहां लिखेंगे हम रूट थ्री के, और एच, एच कौन आ जाएगा बच्चे, टू के। तो यहां से साइन सी की वैल्यू आ गई कैंसिल के से के, और वी विल गेट रूट थ्री बाय टू। अब हम निकालते हैं बच्चे, हमें कोस बी और कोस सी और चाहिए। सो देखिए कोस बी, कोस बी के लिए, अब बी के लिए आप वो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं या फिर यहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए कोस बी, तो बी के सामने जो होगा वो हमारा कौन होगा, परपेंडिकुलर। अभी राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा कौन है, बेस है। कोस की वैल्यू क्या होती है बच्चे, बी अपॉन एच। तो बेस हमारा कौन है, रूट थ्री के, रूट थ्री के, और हमारा हाइपोटेन्यूज कौन है, विल रिमेन सेम, हाइपोटेन्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा टू के। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। के से के कैंसिल, तो हमारे पास कोस बी की वैल्यू आ गई रूट थ्री बाय टू। अब हमें निकालना है कोस सी, तो कोस सी के अकॉर्डिंग अब यहां से हम यदि कंसीडर करें तो 90 डिग्री के सॉरी सी के सामने वाली जो साइड होगी दैट इज अवर परपेंडिकुलर। तो कोस के लिए फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा बी अपॉन एच। तो अब हमारा जो बेस होगा वो कौन हो जाएगा, वन के, और एच विल रिमेन सेम, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा टू। सो के से के कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाय टू। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखिए क्वेश्चन था हमारे पास जो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी और साइन सी। अब देखिए साइन बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज वन बाय टू। कोस सी की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं वन बाय टू, प्लस कोस बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं रूट थ्री बाय टू, और साइन सी की वैल्यू भी आपके पास है रूट थ्री बाय टू। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके रख ली है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे कंफ्यूजन ना हो। सो साइन बी की वैल्यू वन बाय टू, कोस सी वन बाय टू, प्लस कोस बी रूट थ्री बाय टू, साइन सी रूट थ्री बाय टू। सो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। वन इंटू वन इज वन एंड टू टू जा फोर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री दैट इज थ्री एंड टू टू जा फोर। नाउ द
इफ द डिनोमिनेटर इज सेम वी कैन डायरेक्टली एड द न्यूमरेटर्स. यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एड कर सकते हैं. इट मीन्स अवर एलसीएम विल रिमेन सेम, फोर. ठीक है, सो फोर बाय फोर, जब हमने एड किया वन प्लस थ्री को, वी विल गेट फोर. फोर बाय फोर इज वन, सो अवर आंसर इज वन. साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वन आ गई. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. सो अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, इफ थ्री कोट थीटा इज इक्वल टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा बाय टू साइन थीटा प्लस सिक्स कोस थीटा. तो देखिए स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, हमारे पास वैल्यू गिवन है थ्री कोट थीटा इज इक्वल टू टू. सो हम यहां से पहले कोट की वैल्यू निकाल लेते हैं. कोट थीटा इज इक्वल टू टू बाय थ्री. कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टू बाय थ्री. कोट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, बी अपॉन पी के. सो इट मीन्स बी हमारा टू आ गया और पी हमारा कितना आ गया, थ्री आ गया. तो अब हम ट्रेंगल बनाते हैं. ये हमारा थीटा होगा, यहां हम 90 डिग्री ले रहे हैं. तो थीटा के सामने जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर, थीटा के जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर. तो ये हमारा परपेंडिकुलर, और इसके जो एडजेसेंट साइड होगी दैट इज अवर बेस, और 90 डिग्री के जो सामने साइड होगी दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज. यू कैन गिव द नेम ऑल्सो ए बी सी ट्रायंगल. आई होप इतना क्लियर होगा. अब जब भी हमें ये रेशो में गिवन होती है तो ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. रेशो में हमेशा हमारी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. तो कोट थीटा का रेशो गिवन है हमें टू रेशो थ्री. जब हम इसको बेस और परपेंडिकुलर में लेंगे तो हमारे पास क्या, साथ में हमें कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, साथ में हमें कोई एक वेरिएबल लेना होगा, एक्स के वाई जेड जो भी आप वेरिएबल चाहे ले सकते हैं. तो परपेंडिकुलर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, थ्री के, और बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, टू के. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. देखिए कोट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कोट हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इट मींस बेस कौन है, टू, और परपेंडिकुलर कौन है हमारा, थ्री. अब हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं. तो हाइपोटेन्यूज हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, थ्री के, तो थ्री के का स्क्वायर. बेस हमारे पास है टू के, तो टू के का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर. अब देखिए यहां से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे. थ्री का स्क्वायर इज नाइन के स्क्वायर, टू का स्क्वायर इज फोर के स्क्वायर. देखिए टू का जब हमने स्क्वायर किया फोर, के का क्या आ गया, के स्क्वायर. सो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे थर्टीन के स्क्वायर. स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट अंडर रूट थर्टीन के स्क्वायर. सो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, रूट थर्टीन हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, रूट थर्टीन तो रूट थर्टीन ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं बन रहा. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट थर्टीन की. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया बच्चे, अंडर रूट थर्टीन के. आई होप इतना क्लियर होगा. अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है इसमें हमें क्या चाहिए, देखिए फाइंड फोर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी टू साइन थीटा प्लस सिक्स कॉस थीटा. इट मीन्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन थीटा की और कॉस थीटा की. अब साइन थीटा हमारा क्या होता है बच्चे, पी अपॉन एच. सो परपेंडिकुलर कौन है हमारा यहाँ पे, थ्री के, और हाइपोटेन्यूज हमारा कौन है, अंडर रूट थर्टीन के. सो के से के कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास थ्री अपॉन अंडर रूट थर्टीन. आई होप इतना क्लियर होगा. कोस थीटा, कोस थीटा बी अपॉन एच, तो कोस की वैल्यू बी अपॉन एच होती है. बी हमारे पास कौन है, टू के, और एच हमारे पास कौन है, अंडर रूट थर्टीन के. कैसे के कैंसिल और कोस की वैल्यू हमारे पास आ गई है टू अपॉन अंडर रूट थर्टीन. आई होप इतना क्लियर होगा. अब हम वैल्यू लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है. फाइंड फोर साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा डिवाइड बाय टू साइन थीटा प्लस सिक्स कॉस थीटा. तो अब हम वैल्यूज क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. सो फोर विल रिमेन सेम. साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है थ्री अपॉन अंडर रूट थर्टीन.
माइनस थ्री कोस थीटा, कॉस की वैल्यू है हमारे पास टू अपॉन अंडर रूट 13, टू साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास है थ्री अपॉन अंडर रूट 13, प्लस सिक्स इंटू कॉस की वैल्यू है टू अपॉन अंडर रूट 13। जस्ट हमने क्या किया है, वैल्यूज रिप्लेस की है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखिए यहां डिनोमिनेटर कौन है, वन, वन न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, तो वी विल गेट 4 थ्री जा 12 बाय अंडर रूट 13, 3 टू जा 6 बाय अंडर रूट 13, और कंप्लीट डिनोमिनेटर क्या चल रहा है, सेम 3 टू जा 6 अंडर रूट 6 बाय अंडर रूट 13 प्लस 6 टू जा 12 बाय अंडर रूट 13। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा न्यूमरेटर में भी देर आर टू टर्म्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा एलसीएम आएगा अंडर रूट 13 12 माइनस 6। डिनोमिनेटर में देखिए सेम हमारा क्या रहेगा, जो एलसीएम है दैट इज रूट 13, रूट 13, रूट 13 आ जाएगा और हमारे न्यूमरेटर्स डायरेक्ट एड हो जाएंगे 6 प्लस 12। सो देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप 12 माइनस 6, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई इट, 12 माइनस 6 इज 6 अंडर रूट 13, और यहां डिनोमिनेटर में 6 प्लस 12 दैट इज 18 बाय अंडर रूट 13। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चे 6 अपॉन अंडर रूट 13। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। सो अंडर रूट 13 ऊपर आ जाएगा और 18 यहां नीचे, रूट 13 से रूट 13 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 6 बाय 18, सो 6 वन जा 6, 6 थ्री जा 18, सो 1 बाय 3 इज अवर आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्या है स्टूडेंट, हमें गिवन था 3 cot theta इज इक्वल टू 2, आई एम रिपीटिंग, फाइंड करना था 4 sin theta माइनस 3 cos theta डिवाइड बाय 2 sin theta प्लस 6 cos theta। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, आपने यहां चेक किया कि आपको गिवन था वहां पर आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेन्यूज निकालिए, फिर जिस जिस वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट है उसको वैल्यू को फाइंड आउट करके यहां अलग से रख लीजिए, फिर आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी एंड सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर हमें वैल्यू जो मिली है दैट इज 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट यदि कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स का रिप्लाई करेंगे। और यदि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया बट आपको उसमें डाउट है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली हम आपके उस क्वेश्चन को अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।